मतलब एक तरीके से 3D में हो गया है, 3D टाइल्स। हाँ, और इसमें पंचिंग भी बहुत होती है, ये ग्रुप। अच्छा, पंचिंग ये देखो कितना ग्रुप नहीं, इसमें पंचिंग बहुत गहरी होती है। 50 रुपये तो कोई ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल 3D में। हाँ। अगर आप पत्थर लगाओगे तो 100 रुपये तो मजदूरी जाएगी उसकी। बिल्कुल सही बात है। हाँ। यहाँ 15 रुपये फुट में कारीगर लगा देगा। ये बड़ा साइज हो गया तो ये भी दीवार पे चलता है या हाँ, ये या फ्लोर पे भी चलता है? फ्लोर पे भी, वॉल पे, दोनों पे चलता है। अच्छा, दोनों पे चलेगा, दोनों पे चलता है। गाइस, आज हम मार्केट में टाइल्स का रिव्यू करेंगे कि किस तरह के टाइल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप अपने वॉल्स और फ्लोर के लिए लगा सकते हैं। हम आए हैं आकाश मार्बल वालों के यहाँ पर, जहाँ आपको काफ़ी सारे टाइल्स के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे जो आप अपनी दीवारों के लिए, फ्लोर के लिए, अपने किचन के लिए और अपने बाथरूम के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लोर के जो टाइल्स आजकल ट्रेंड में हैं और जो ज़्यादातर चलते हैं और जो मतलब बेस्ट हैं आपके हिसाब से, तो वो आप मुझे बताइए जरा, कौन से टाइल चल रहे हैं आजकल? चलते तो ये 2x2 साइज है हमारा। अच्छा, 2x2 चलते हैं जी, लेकिन उससे जो आप ऊपर जाओगे बेस्ट जो है वो 2x4 है। अच्छा, ये अच्छा, ये हमारा 30 रुपये से स्टार्ट हो जाता है जी, और 100 रुपये 120 रुपये तक स्क्वायर फुट होता है। अच्छा, उसके बाद ये कर जा रही है वैसे जी, और इसके बाद सबसे ज़्यादा 2x4 ही चलता है। अच्छा, ये वॉल पे भी चलता है, फ्लोर पे भी चलता है। ये वॉल और फ्लोर दोनों पे चलता है, फ्लोर पे, वॉल पे या ड्राइंग रूम में। अच्छा, ये सब 2x4 के साइड है हमारे पास, एकदम 150 डिजाइन है। अच्छा, इसके इसके डिजाइन जी सबसे ज्यादा तो ये चलता है। हाँ। आप अगर अब इससे आप ऊपर रेंज में जाओ जी थोड़ा, हाँ। तो साइज बढ़ जाएगी। अच्छा, ये सब 2x4 के डिस्प्ले है, ये सारे 2x4 ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ, और ये वुडन फ्लोरिंग में सारे, ये वुडन फ्लोरिंग में डिजाइनर लगे हुए हैं। हाँ, ये वॉल के हैं, जैसे प्लैंक, फ्रंट एलिवेशन, ड्राइंग रूम की वॉल हो गई। अच्छा, क्योंकि ये फ्लोर में भी चलते हैं वैसे तो, लेकिन ये कार्बन वाले थोड़ा, हाँ ये डिजाइनर है तो ये तो वॉल पे ही चलते होंगे। ये तुम्हारा वुडन में, जैसे ये वुडन में है आपका। अच्छा, ये फ्लोर पे, वॉल पे दोनों पे चलता है, सब वुडन पैटर्न है। ये तो फ्लोर के लिए होगा ना या वॉल पे भी चलता है? फ्लोर के लिए। अच्छा अच्छा, लेकिन ये जैसे बाथरूम में नहीं चलता, जैसे आपका फ्रंट एलिवेशन, अच्छा, कोई ड्राइंग रूम की वॉल हो गई है जी, आप वुडन पैटर्न चाह रहे हैं, अच्छा, इसमें ये वॉल पे चल जाता है। अच्छा, जैसे आजकल वॉल पेपर भी कराते हैं उससे बेस्ट है। हाँ, नहीं बिल्कुल, पानी की जगह सील की जगह, सही बात है, ये सक्सेसफुल। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप ये 3264 वाला साइड। अच्छा, ये जैसे आप उससे थोड़ा ऊपर जाओगे जी साइज के हिसाब से, हाँ, तो ये 3200, मतलब ये बड़ा साइज हो गया, तो ये भी दीवार पे चलता है या, हाँ, ये या फ्लोर पे भी चलता है? फ्लोर पे भी, वॉल पे, दोनों पे चलता है। अच्छा, दोनों पे चलेगा, दोनों पे चलता है। अच्छा, अच्छा, इसका ये केमिकल्स है, एडिसिव से, एडिसिव से, क्योंकि सीमेंट से नहीं लगता। अच्छा, ये भी हमारे पास, ये इसका कलर ऑप्शन हो गया है जी, ये कलर हो गया, इसमें कलर बहुत सारे हैं, ये प्लेन कलर है, पैटर्न है, ये कार्बन वाले हैं जी, ये भी फ्लोर और वॉल दोनों के, ये कार्बन वाला है, ये मैट इसमें कलर है, ये कुछ एम्बोस टाइप है क्या इसका? हाँ, ये इसकी जो ये है फिगर, ये कार्बन वाली है, चमकती है। अच्छा, चमकती है। अच्छा, लाइट के अंदर इधर आइए आप, कितना खूबसूरत पैटर्न है। बिल्कुल, ये दोनों पे चलेगा, जैसे ड्राइंग रूम, तो ये तो काफी बड़ा पैटर्न है, तो ये अगर किसी को छोटा लगाना है तो फिर कैसे लगेगा? ये मिल जाएगा, फिर वो 2x4 नहीं आता। अच्छा, तो पूरी पूरी बड़ी दीवार के हिसाब से हो गया ये तो, है ना? ये बड़ी दीवार पे भी ये पूरे सीन नहीं है, बड़ी दीवार भी ला सकते हो, फ्लोर भी लगा सकते हो, ये दोनों जगह चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये इसमें कलर आ गए, ये 3200 साइज चल रहा है हमारा जी, इसमें भी मतलब 40 डिजाइन है अपने पास। अच्छा, तो कुल मिला के कई सारे टाइल्स जो आते हैं वो मल्टी फंक्शन आते हैं, मतलब आप वॉल पे भी लगा सकते हैं उसे, दोनों पे फ्लोर पे भी लगा सकते हैं। विट्रीफाइड होती है ना, हाँ, एक होती है पोर्सिलिन, वो नहीं चलती, लेकिन ये विट्रीफाइड होती है, ये दोनों चलती है, दोनों पे चलती है। ये है देखिए बाथरूम में, ये आप अगर डार्क कलर लाना चाहते हैं ये 2x4। अच्छा, ये बाथरूम के हिसाब से है, ये है। अच्छा, वैसे तो चलते हैं सब, अपनी पसंद होती है कलर की, वरना ये जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो स्पेशली डिजाइन ही बाथरूम के हिसाब से है सारे,
जो बाथरूम में चलेंगे। वैसे तो वो इनसे अलग सब इटालियन पैटर्न आते हैं, वो फ्लोर पे वॉल पे दोनों पे चलते हैं, वो अपनी चॉइस होती है कलर की। अच्छा, अपना अपना टेस्ट होता है, आप सामने वाले क्या पसंद है। ये सारे एसी के कलर ऑप्शन है सारे? हाँ, इसके सब कलर ऑप्शन है। अच्छा, ये आगे पीछे प्रोच हो सर, ये 3264 ही है। ये सब 3264 है, ये 2004 है। अच्छा, उसके बाद भी आप और उसमें महंगे में जाओगे और उसमें हाँ। तो ये हमारा 8x2 का डिजाइन है, 8 फीट बाई ढाई फीट। ये फ्लोर में भी चलता है और जो भी, ये जैसे आप किचन से ले। तो एक बात बताइए, इतना बड़ा टाइल अगर हम दीवार पे लगाते हैं तो वो उसमें कुछ दिक्कत आती है क्या, मतलब जल्दी ऐसा एडिसिव से लगता है इसलिए दिक्कत नहीं आती। अच्छा, बस ये क्योंकि बड़ा टाइल लगेगा तो वो ऐसा तो नहीं है वजन से जो है छूट जाए कुछ दिन बाद, वो उसी का उसी तरह का एडिसिव आएगा ना इसका महंगा वाला। अच्छा, क्योंकि सीमेंट से नहीं चलता है एडिसिव, तो ऐसा भी आता है अगर छत पे चिपकाओ इतना बड़ा साइज तो वो भी रुक जाएगा। अच्छा, तो उसका मतलब कई साल के लिए? कई साल नहीं, उसका लाइफ टाइम रहेगा। बस ये है आपका जो जिस पे चिपका रहे हो वो मजबूत होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, क्योंकि मैंने सुना है क्योंकि बड़े टाइल्स लगाने में थोड़ा सा सपोज करो प्लास्टर हुआ, हाँ। आपने ही उसमें लगा दिया। अच्छा, तो एडिसिव तो अपनी ताकत रखेगा लेकिन हाँ। प्लास्टर अगर उसने लेंटर को प्लास्टर ने छोड़ दिया तो खत्म का। हाँ, सही बात है। आपको लेंटर वो मजबूत होना चाहिए जिस पर आप चिपका रहे हो। अच्छा, अच्छा, उसकी अपनी ताकत होनी चाहिए इसे झेलने के लिए। अच्छा, इसका वजह एडिसिव से अपनी ताकत पूरी है। जैसे ये हमारा किचन से लेते हैं, ये AGL कंपनी का माल है। अच्छा, किचन के हिसाब से चलता है ये? आप किचन से लेते हैं, आप मेन पिलर पे काउंटर वाशबेसिन पे, आप जीने की पौड़ी पे। अच्छा, ये लगा सकते हैं जी, आपने भी लगाया अपने घर में? अच्छा, ये सब ये सारे किचन के हिसाब से लग रहे हैं मुझे। ग्रेनाइट पैटर्न भी है किचन की स्लैब वगैरह पे है लगाने के, किचन के ग्रेनाइट पे और आपके मेन गेट के पिलर पे, पिलर बनते हैं ना पत्थर के, ये उस पे और किचन आपका जीने की पौड़ी। अच्छा, ये सारे डिजाइन है? ये सब डिजाइन, इसमें ग्रेनाइट पैटर्न भी है, टाइलिंग पैटर्न। अच्छा, तो कलर ऑप्शन तो काफी है, अच्छे हैं आपके पास अवेलेबल? और भी है मतलब बहुत, आप ये फिलहाल डिस्प्ले पे लगे हैं। तो इनकी रेंज क्या, ये कहां से शुरू हो जाती है? 150 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, मतलब 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अच्छा, आप अगर इससे कम रेंज में जाओगे तो फिर साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा, 1x1.5 और 1x2, 1200 से 1200। अच्छा, वो पेटी के हिसाब से आता है, 1200 से 1800 से स्टार्ट होता है पेटी। अच्छा, 9 स्क्वायर फीट उसमें मान लो। सपोज चलिए, ये तो ये सारा हो गया आपने मुझे दिखाया, प्रीमियम है लगभग रेंज सारी आपकी है, तो जैसे किसी को बजट में चाहिए, आजकल बजट में लोग लगाना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस किस साइज में लगाएं और क्या है, अगर बहुत मीडियम में है तो वो 2x2 में आ जाता है हमारा, 2x2 में, 2x2 के टाइप का माल दिखाया हमने आपको, लेकिन वो अदर कंपनी का माल होता है। अच्छा, वो 2x2 में आ जाता है, वो लगभग 30 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप अगर नॉर्मली सादा पत्थर भी लगाओगे तो वो भी 40 रुपए से स्टार्ट होता है, उसकी घिसाई भी करानी पड़ती है, उससे तो फिर बहुत मंदी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब आइए कम रेंज की टाइल में, जो उसके लिए ये साइज है, जो 2x4 से छोटा है। अच्छा, 2x4 से छोटा है? हाँ। अच्छा, ये 1x2 है जी, 10x24 और जी। ये 10x24 है, 1x18 है, ये कम रेंज का है। अच्छा, ये कम रेंज, 200 रुपए से पेटी स्टार्ट हो जाती है। 200 रुपए से स्टार्ट हो जाती है पेटी, 9 स्क्वायर फीट माल होता है पेटी में, 9 स्क्वायर फीट होता है। 9 स्क्वायर। अच्छा, 2x4 तो फुट के हिसाब से होती है जी, जी वो महंगा माल है। ये जैसे 2x2 में आपको बताया था, ये कम रेंज का। अच्छा, ये 2x2 स्टार्ट फ्लोरिंग के लिए हो जाती है। ठीक है, बाथरूम में लगाओ, किचन में लगाओ। अच्छा, ये बाथरूम में? अच्छा, या ड्राइंग रूम की, या उसकी जहाँ पे आपकी सील आ रही है, यहाँ दिक्कत है वहाँ। अच्छा, ठीक है, ये सब वॉल का माल है, वॉल का है। फ्लोर तो आपकी ये 2x2 से स्टार्ट होती है। अच्छा, 2x2 आगे स्लाइड आगे उधर डिजाइन लगे हुए हैं। अच्छा, जो 1x18 में है जी, और उसके बाद ये जी बताइए, ये वैनिटी काउंटर वॉशबेसिन पूरा मैन मिलर के तैयार है। अच्छा, पूरा कंप्लीट है? ये कंप्लीट है, ऐसे ही ले जाओ उठा के और ऐसे ही कहीं भी, बस दीवार पे जो आपकी टोटी अच्छा। की फिटिंग हो जिसमें कनेक्ट करो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारी, ये जैसे वॉल फ्रंट एलिवेशन पे लगाते हैं तो उसमें जैसे एक तो आपको वुडन पैटर्न दिखाया था फ्रंट का। अच्छा, अब ये हमारा 1x2 के साइड में ये स्टोन पैटर्न। अच्छा, स्टोन फिनिश में है ये? हाँ, जो आप पहले पत्थर आते थे सलेट वगैरह का डिजाइन आता था वो अब ये टाइल में आता है। अच्छा, स्टोन नॉर्मल के हिसाब से। अच्छा, ये आता तो बहुत महंगा भी है अगर आप नेचुरल हो, लेकिन ये उसके कॉपी है, मतलब एक तरीके से 3D में हो गए हैं, 3D टाइल्स। हाँ, और इसमें
पंचिंग भी बहुत होती है ये ग्रुप। अच्छा पंचिंग, ये देखो कितना ग्रुप है नहीं, इसमें पंचिंग बहुत गहरी होती है बाकी में, क्योंकि ये नेचुरल जो आता था ना पत्थर, उसका इसका तो बहुत महंगा आएगा, 150 रुपये फुट आएगा, ये 50 रुपये फुट है। ये 50 रुपये फुट है नॉर्मली, 50 रुपये से स्टार्ट है। अच्छा इसमें डिजाइन हमारे पास भी 60-70 डिजाइन आ रही है। अच्छा देखो ये धौलपुर पत्थर आता है उसकी कॉपी। अच्छा ये आपको फ्रंट एलिवेशन पे आजकल दिखता है ये नेचुरल, ये तो दीवार पे अलग ही लगेंगे, ये फ्रंट का है। अच्छा, ये आपको एक ऐसे ड्राइंग रूम में आपको एक वॉल दिखानी है बिल्कुल पत्थर लुक, स्टोन लुक, तो ये उस पे। अच्छा ठीक है, और कम रेंज का, कम रेंज में आप नेचुरल पत्थर में जाओगे तो 2100 रुपये में जाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ 50 रुपये, 50 रुपये तो कोई ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल 50 रुपये में अगर आप पत्थर लगवाओगे तो 100 रुपये तो मजदूरी जाएगी उसकी, बिल्कुल सही बात है। हाँ यहाँ ये 15 रुपये फुट में कारीगर लगा देगा। हाँ बिल्कुल, इससे नीचे कुछ नहीं, अरमा जस्ट डिजाइन है, काफी अच्छे डिजाइन है ये ना, इसमें पंचिंग बहुत होती है, बिल्कुल नेचुरल हो। नहीं डिजाइन मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगे हैं सारे 3D वाले भी। ये थोड़ा ग्लॉसी में आ गए हैं, ये थोड़ा ग्लॉसी में आ गए, ये आ गए हमारे पास जो फ्लोर भी है ना, जो 2x2 की मैं आपको बोला था, 2x2 जो कमरे। अच्छा ये 2x2, ये 2x2 फ्लोर की है, ये सारे फ्लोर की है ना, 2x2 में 2x2 फ्लोर की होती है। ठीक है, मार्बल स्टोन की डिजाइनिंग है। अच्छा उसको पत्थर में फिगर मिलती है। जी जी हाँ, उसमें भी काफी है डिजाइन, भी काफी है। अच्छा ये मैट, मैट फिनिश में है, मैट फिनिश में है बिल्कुल, क्योंकि आजकल मैट भी काफी चल रहा है, बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। हाँ सिंपल सोवर लगता है थोड़ा सा। हाँ और ये अब आप आ जाइए जो आप ये वुडन पैटर्न। अच्छा ये वुडन पैटर्न, ये 8-48 ये फ्रंट पे लगाओ, वॉल पे लगाओ, फ्लोर पे, ये भी दोनों। अच्छा इसमें भी कम से कम 150 डिजाइन। अच्छा आदमी देख देख कितना जाएगा। हाँ बिल्कुल, सारे वुडन पैटर्न में, वुडन पैटर्न में अब बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, ये तो लगवाने के बाद जैसे वुडन फ्लोरिंग लग रही हो। नया लगा। अच्छा आदमी देख के कहता है कि ये लकड़ी है। बिल्कुल सही बात है, ये टर्बेंटिनो पत्थर आता है जो फ्रंट का होता है। अच्छा। 400-500 रुपए की रेंज में आता है, ये उसकी कॉपी है फ्रंट की। अच्छा। इटालियन में अच्छा लगा टर्बेंटिनो, हमने अपने यहाँ शोरूम में ये लगाया। अच्छा ठीक है, जीने पे लगा सकते हैं। अच्छा जीने पे भी यही लगा। अच्छा यही वाला लगा हुआ, ये अपने हमने सारे जीने इसी के बनाए। अच्छा पोर्च वगैरह में जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, पोर्च वगैरह में लगाना चाहो तो ये हैवी ड्यूटी हैवी माल है। अच्छा जैसे पार्किंग एरिया टाइप में, एरिया आपको पोर्च वगैरह में लगाना हो जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। अच्छा। तो ये मोटा हैवी होती है। अच्छा। ये गाड़ी के आप चाहे ट्रक खड़ा लो इस पर लगने के बाद। अच्छा ये टूटेगी नहीं, टूटेगी। अच्छा ये हैवी माल जैसे यहाँ लोग पत्थर लगवाए तो ये लग। अच्छा इसलिए ये 1x1 का, ये 150x150 का। अच्छा इसमें बहुत सारे डिजाइन, ये मैट में होता है हैवी, इसकी मोटाई लगभग 16 mm। ये फिर वही छोटे वाले टाइल्स आ गए। हाँ ये जैसे आपको बाथरूम के फर्श में लगते हैं, ये छोटा बाथरूम है तो उसमें छोटा साइज मिल जाता है। ठीक है इसके वॉल पे। अच्छा अच्छा और इसमें हमारे पास 2x4 की कार्विन का भी है जो थोड़ा वो महंगा माल लगता है। अच्छा जाते
अच्छा आप गोल पे भी लगा सकते हो, हमने भी नया ही कार्बन वाला लगाया भाई ये। अच्छा ठीक है, ये लगभग 60 रुपये से स्टार्ट है। 60 रुपये स्क्वायर फुट, ठीक है। 150 रुपये ये भी अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल ये इटालियन पत्थर लुक स्टोन के टाइम बिल्कुल ये सब इस पार पे चमक इतने लाइटों में चमक। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं समझ गया। इसका डार्क कलर, ये सारे कलर ऑप्शन है इसके अंदर। हाँ इसमें कलर लाइट भी है डार्क, ठीक है। अब और हमारे पास अब आपका किचन का सिंक वगैरह अच्छा देने की तैयार। हाँ वो मैंने दिखा दिया अभी, इसमें भी बहुत से कलर है, एक अपने अच्छा अच्छा साइज ये साइज है। अच्छा ये भी थोड़ा स्पार्कल वाला, ठीक है। इसमें भी ये 1x2 का साइज है। अच्छा 24, आप अगर 2x4 से नीचे जाओगे तो साइज। अच्छा अच्छे लग रहे हैं ये बोल के लगाओ, बिल्कुल बढ़िया। अच्छे लग रहे हैं ये भी, पंचिंग वाले सारे हैं। हाँ। सारे नहीं है कुछ है। अच्छा ठीक है जी।